आरएसपुरा 15 जुलाई। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के आ रहे ज्यादा बिलों के विरोध में आरएसपुरा कस्बे में लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिल ज्यादा आने पर बिजली विभाग तथा सरकार के खिलाफ कस्बे के दलजीत चौक में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहन सिंह कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल ज्यादा आने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली विभाग ने लोगों को ज्यादा बिल भेजने बंद नहीं किए तो आने वाले दिनों में आरएसपुरा कस्बा पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। आज मेरा प्रदर्शन है, ये खासकर जो बिल आ रहे हैं, जो बिजली के बिल कई गुना बढ़ा के सरकार दे रही है, बिजली हमें देनी रही 24 घंटे में 14 घंटे कट, अनशेड्यूल कट, ना उसकी को वोल्टेज, लोग मर रहे हैं बिजली से, गर्मी से इतनी बुरी हालत हो गई, ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही, लोग गर्मी से मर रहे हैं, सरकार बिजली हमें दे नहीं रही। और बिना रीडिंग के जिन लोगों के मीटर लगे हुए हैं उनके घर के भी बिल कई गुना बढ़ गए हैं, उनको पता नहीं लग रहा मेरे बिल कहाँ से आ रहे हैं, उनका मीटर चेक करो उसमें तो कुछ है नहीं। अगर वो एक कूलर चलाता है तो दो पंखे चलाता है, उसका बिल कहाँ से आ गया 8,000 10,000 12,000, किसी का 15,000 आ रहा है। ये सरकार की नाकामी, ये दादागिरी चल रही है, हम लोगों को लूटने का ढंग चल रहा है। और मैं आपका पहले भी बताया कि मैं तीन चार शहरों में घूम के आया हूँ, यूपी हरियाणा पंजाब, एक भी जगह स्मार्ट मीटर नहीं। भाई हम पे क्यों, हमें उम्मीद थी कि हिंदुओं की सरकार है हमारा भला करेगी, ये तो हमें इसके उन्होंने रखा है लेबॉरेटरी, चेक लेबॉरेटरी, टेस्ट लेबॉरेटरी बना दिया है। पर बिजली हम पैदा करें भले जी के में, बिजली आप बाहर सप्लाई कर रहे हो, हमें दे नहीं रहे, तो बिना मतलब बिल बढ़ाई आ रहे हो। मेरी सरकार से अपील है, आप फौरी तौर पर इसको वापस लो, जितने भी लोगों को दिए हम लोग नहीं पे करेंगे। अगर सरकार नहीं जागी, ये मेरा छोटा सा प्रोटेस्ट है, जो अगला प्रोटेस्ट है बाजार बंद होगा, रोड बंद होगा, जब बाहर नहीं मेरी सरकार के आगे, फिर उसकी जिम्मेदारी सरकारी होगी। हम क्यों जुल्म सहें, ये हम जो हम हमारी ग्रीव स्टेट है, हमारे बॉर्डर पे रहने वाले लोग, अधिकारियों का कोई कसूर नहीं, ये कसूर है मोदी सरकार का, ये कसूर है एलजी सरकार का, ऊपर जो बाप दादा बैठे हैं हमारे, और जब मोदी शाह और अमित शाह, ये सब उनका कसूर है। ये बीच प्रोटेस्ट कर रहे हैं छोटे वर्कर, इनको शर्म आनी चाहिए। पर डिपार्टमेंट का क्या कसूर है, डिपार्टमेंट तो मुलाजम वो सरकार से तनखा लेता है, वो काम तो सरकार का करेगा ना, ना चीफ के पास पावर है, ना एक्सिन के पास पावर है, ना IW के पास पावर है, वो जो सरकार कहेगी वो इम्प्लीमेंट करेंगे। उनके खिलाफ बोलना, मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल बेइंसाफी है, उनका कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो ऊपर जो बैठे हैं मोदी सरकार, जो गृह मंत्री है, जो प्राइम मिनिस्टर हमारा, जो LG साहब है, ये कसूरवार हैं, मैं तो इनको कसूरवार चाहता हूँ। अगर सरकार नहीं मानी हम सड़कों पे आएंगे, हम रोड हो सकते हैं, रोड ब्लॉक कर सकते हैं, हम बाजार बंद कर सकते हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है हम उसके मुताबिक चलेंगे, हम वायलेशन नहीं करेंगे। हम देशभक्त लोग हैं, हम वायलेशन नहीं करेंगे, अंडर रूल चलेंगे, जिसने पर्चा लगाना लगा ले, हमें कोई डर नहीं। ये बिजली डिपार्ट